जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेरिटोरियल आर्मी में निकली एक और भर्ती के बारे में। तो ये जो भर्ती है दोस्तों, 12 नवंबर 2024 से 26 नवंबर 2024 के बीच में कंडक्ट कराई जानी है और 164 इन्फेंट्री बटालियन टीए नागा में ये जो है वो भर्ती है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि इस बटालियन में, इस भर्ती में कौन कौन से ट्रेड की कितनी कितनी वैकेंसीज पे जो है वो भर्ती निकली है। ठीक है, तो वैकेंसीज फॉर रिक्रूटमेंट में आप देखेंगे कि सोल्जर जनरल ड्यूटी में 110 वैकेंसीज हैं, सोल्जर चेफ में 7 वैकेंसी हैं, सोल्जर हाउसकीपर 5 वैकेंसी हैं, सोल्जर हेयर ड्रेसर में 5 वैकेंसीज हैं, सोल्जर वॉशरमैन 6 वैकेंसीज हैं, सोल्जर मसालची में 1 वैकेंसी है, सोल्जर कुक मैस में 1 वैकेंसी, सोल्जर चेफ स्पेशल में 1 वैकेंसी, सोल्जर इक्विपमेंट रिपेयर में 1 वैकेंसी और सोल्जर क्लर्क में 3 वैकेंसी जो है वो निकली हुई है। तो ये तो होगी दोस्तों वैकेंसीज की डिटेल। अब बात करते हैं कि कौन सी डेट के लिए किस एरिया के बच्चों के लिए जो है वो इस भर्ती में शामिल होने को जाना है। ठीक है, और कहां पर जाना है। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि 12, 13 एंड 14 नवंबर 2024 को जो भर्ती है वो है दोस्तों फेक एंड किफरे डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है, तो ये जो भर्ती है दोस्तों, फेक पब्लिक ग्राउंड जो है वो लोकेशन यहां पर दी गई है, इसमें ये भर्ती कंडक्ट कराई जानी है। उसके बाद में 17 नवंबर 2024 से 23 नवंबर 2024 तक जिनकी भर्ती है उनका नाम इस प्रकार है, जैसे कि दोस्तों कोहिमा हो गया, दीमापुर हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट्स की भर्ती है। ये जो स्टेट्स हैं ये पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट के हैं, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये नॉर्थ ईस्ट के, जैसे कि मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, इस साइड की ये भर्ती है और इसमें ज़्यादातर जो एरिया है वो नागालैंड के हैं। तो दोस्तों 17 से 23 नवंबर 2024 तक ये जो भर्ती की डिटेल दी गई है, इसकी जो लोकेशन है वो है जखामा लोकल ग्राउंड जखामा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए सुबह 5 बजे अपने एरिया के दिए हुए टाइम पर पहुंच जाना है भर्ती के लिए। चलिए आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं दोस्तों हम अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की और एज लिमिट की। तो एज लिमिट है दोस्तों आपकी 18 से 42 सेंटीमीटर। और सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए अगर आप भर्ती देखेंगे सोल्जर जीडी की, तो 10 क्लास पास होना जरूरी है, 45% मार्क्स से कम ओवरऑल नहीं होने चाहिए। सोल्जर क्लर्क में 10+2 60% मार्क्स से कम नहीं होनी चाहिए और सोल्जर ट्रेड्समैन हाउसकीपर एंड मैसकीपर की ट्रेड को छोड़कर 10th पास होना जरूरी है, 33% से मार्क्स कम नहीं होने चाहिए। इसी प्रकार सोल्जर ट्रेड्समैन हाउसकीपर एंड मैसकीपर, इसमें आपको 8वीं क्लास पास होना जरूरी है। ठीक है, चलिए हाइट की बात करते हैं दोस्तों। तो हाइट आपकी है 160 सेंटीमीटर नॉर्मल हाइट ली जाती है टीए में। और अगर आप दोस्तों नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश इनके रहने वाले हैं जो यहाँ पर ये नाम दिए गए हैं, जैसे कि मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, तो आपकी 157 सेंटीमीटर हाइट की जरूरत होगी। चलिए चेस्ट आपका 77 से 82 सेंटीमीटर, वेट हाइट और एज के हिसाब से ली जाएगी। अगर आप एक्स सर्विसमैन या फिर सर्विसमैन के डिपेंडेंट हैं, यानी कि रिलेशन सर्टिफिकेट आपके पास में है, तो आपको 2 सेंटीमीटर हाइट में छूट मिलेगी, 2 केजी वेट में और 1 सेंटीमीटर चेस्ट में आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हैं स्टेट, नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल के, तो आपके लिए हाइट में 3 सेंटीमीटर, वेट में 3 केजी और चेस्ट में 3 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। चलिए अब चलते हैं आगे और बात कर लेते हैं दोस्तों फिजिकल फिटनेस टेस्ट की, जिसको हम बोलते हैं PFT। ओके, तो दोस्तों ये PFT में सबसे पहले आपकी 60 नंबर्स की रनिंग होगी। तो इसके लिए जो रनिंग का डिस्टेंस है वो है 1 मील, मतलब 1 मील की रनिंग होगी। अगर आपकी एज 18 से 30 साल है और आप 5 मिनट 30 सेकंड से पहले इस रनिंग को पास कर देते हैं तो आपको 60 मार्क्स दिए जाएंगे। 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड तक अगर आप पास करते हैं तो आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे। इसी प्रकार अगर आपकी एज 31 से 42 साल है तो आप 6 मिनट 15 सेकंड में इस रनिंग को अगर पास कर लेते हैं तो आपको 60 मार्क्स दिए जाएंगे। और 6 मिनट 16 सेकंड से 6 मिनट 30 सेकंड के बीच में अगर आप पास करते हैं तो आपको 40 मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं दोस्तों पुलअप्स की, क्योंकि फिजिकल टेस्ट में पुलअप्स और रनिंग के ही मार्क्स जो है वो दिए जाते हैं, बाकी 9 फिट डिच और बैलेंस होता है जिसमें आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाता है। तो 60 नंबर की रनिंग होती है, 40 नंबर का
जो है आपके पुलअप्स होते हैं, ठीक है। तो 18 से 30 साल अगर आपकी एज है और आप 10 या 10 से ज्यादा पुलअप मारते हैं तो आपको 40 मार्क दिए जाएंगे, 9 पुलअप्स मारते हैं तो 33 मार्क्स, 8 पुलअप्स मारते हैं तो 27 मार्क्स, 7 में 21 और 6 में 16 मार्क्स दिए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप 6 पुलअप्स ही मार देते हैं और आपकी एज 18 से 30 साल है तो आपको पास कर दिया जाएगा। 31 से 42 साल आपकी एज है और आप 9 या उससे ज्यादा पुलअप्स मारते हैं तो आपको 40 मार्क्स, 8 में 33, 7 में 27, 6 में 21 और आप मिनिमम अगर 5 पुलअप्स भी मार देते हैं तो आपको 16 मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा। चलिए, 9 फीट डिच और जिग जैग बैलेंस आपका क्वालिफाइंग टेस्ट होता है, इसमें आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। टीए में बैक टू बैक वीडियो आ रही है, आगे मैं जो वीडियो लेकर आऊंगा उसमें लेकर आऊंगा दोस्तों कि टीए आर्मी की ये जो भर्तियां चल रही हैं ये परमानेंट हैं या फिर अग्निवीर की भर्ती है, ओके। और दूसरी वीडियो आएगी कि इन भर्ती में जाने के लिए आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।